राम रसिया रे जाओ, राम रसिया रे जाओ करता हुआ तू देख को
निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा, इसमें बिल्कुल भी संशय करने की जरूरत नहीं। तो जिंदगी का अभ्यास क्या है? यही ना, ताकि इस प्रकार का सिमरन जिंदगी भर जारी है, ताकि अंत समय मुख से राम निकले, परमात्मा का स्मरण हो, बस जीवन सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया। प्रीति तो साधक्षण हो, सिमरन प्रेम प्रधान हुआ, इसके पीछे प्रेम है। प्रेम तो निराकार है, इसका साकार रूप है सेवा। आज दूसरा शब्द सिमरन के साथ और लगाते हैं, जीवन का पूर्णत्व, जीवन की पूर्णता कब प्राप्त होगी? जब सिमरन के साथ सेवा होगी। याद रखो भक्तजनों, अकेली सेवा आप गुरुद्वारे की करो, मंदिर की करो, संसार की करो, किसी की भी करो, वे आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। उसे सिमरन का बल मिलना चाहिए, उसे परमात्मा की कृपा का बल मिलना चाहिए, उसे ध्यान भजन इत्यादि का, जप इत्यादि का बल मिलना चाहिए, तो जीवन में पूर्णता आएगी। ये भी है, ये भी सत्य है, केवल सिमरन भी जो है वह बहुत कठिनाई से आपको मुक्ति देगा। मानव सेवा भी जरूरी है, इन दोनों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, सिमरन एवं सेवा। आपने भी हो सेवा शब्द अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप इसे कर्तव्य पालन समझा। सेवा अर्थात जो परमात्मा ने आपको कर्तव्य दिए हैं, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छी सास बनना है, अच्छी पुत्री बनना है, अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छे इंजीनियर बनना है, अच्छे गृहस्थ बनना है, अच्छे ऑफिसर बनना है, अच्छे पिता बनना है, अच्छे पुत्र बनना है, अच्छे जमाई बनना है, ये सारे के सारे कर्तव्य देवी परमात्मा ने हमें दिए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बने हुए, परमात्मा ने हमें कर्तव्य दिए हैं और वह हमसे अपेक्षा रखता है कि ये सारे के सारे कर्तव्य दायित्व व्यक्ति सही ढंग से निभाए, अन्यथा जैसे बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसकी रीअपियर आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाती है, आपको इस सब्जेक्ट में फिर अपियर होना पड़ेगा, तो पुनर्जन्म, परमात्मा के घर का रीअपियर अर्थात पुनर्जन्म, जाइएगा। जो कर्तव्य आपको दिया था आपने उसे पूरी तरह से नहीं निभाया, अभी आप मेरी सेवा के योग्य नहीं हो, मैंने जिनकी सेवा के लिए आपको भेजा था आपने उन्हीं की सेवा अभी नहीं करी, तो मेरी सेवा के आप योग्य नहीं हो, जाओ। फिर जाके चक्कर लगाओ, पुनर्जन्म होता है, जाओ जहां जहां जिन जिन विषयों में आप फेल हुए हो उन विषयों को पास करो, पास करके तो फिर मेरे पास आओ, तब पुनर्जन्म नहीं होगा, तब आप मेरी सेवा के योग्य हो जाओगे। आज के लिए सचिव सिमरन एवं सेवा की चर्चा करते हैं, क्या करता है ये सिमरन एवं सेवा हमारे जीवन में? सर्वप्रथम मन के शुद्धिकरण का सर्वोच्च एवं सुगमतम साधन, अमोघ साधन सिमरन एवं सेवा। हम सब सिमरन एवं सेवा के उपासक हैं, हमारी साधना सिमरन एवं सेवा की है। हाँ, इसके साथ जो सेवा के क्षेत्र में उतरेगा यदि वह संयम भी नहीं है तो मार खाएगा, गिर जाएगा, पतन को प्राप्त होगा। इसके साथ दो शब्द और लगा लो तो साधना पूरी हो जाती है, सिमरन सेवा संयम। ये कहां से प्रेरणा मिलेगी? फिर चौथा शब्द भी स अक्षर से शुरू होता है जिसे सत्संग कहा जाता है। ये चार शब्द याद रखो देवियों, सज्जनों, हमारे जीवन में पूर्णत्व की प्राप्ति इन्हीं से होती है, सिमरन सेवा संयम एवं सत्संग। ये चार शब्द जीवन की पूर्णता देने के लिए बिल्कुल सक्षम है, पर्याप्त है। मन का शुद्धिकरण सिमरन एवं सेवा से। आज साधक जी एक युवक बाबा नानक के पास आया, बाबा नानक से प्रश्न करते हैं, बाबा एक बात बताओ, मुझे बहुत बड़ा संशय है, ये संतों महात्माओं के विषय में इतना कुछ शास्त्रों ने लिखा है, इतना कुछ संसार कहता है, क्या ये सत्य? बाबा से प्रश्न। बाबा नानक कहते हैं, युवक तो क्या सोचता है, तू अपनी बात पहले बता, तू इन संतों के बारे में क्या सोचता है?
युवक कहता मैं सोचता हूं यह धरती पर बोझ है, पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों का खाना खाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनका अपना जीवन कुछ नहीं, धरती पर बोझ है।